नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों आज 22 मार्च 2022 दिन मंगलवार, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाजार चला। मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, कैसी मार्केट है आज की, जो स्पेशल लहसुन बेचने वाले। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, क्या बात जी, जहां आपकी लाइनें लगे होती थी ढंगे, आज तो मैदान खाली जी बिल्कुल। बस आज एक ही गाड़ी आई थी सामने उठी की, ये माल था। अच्छा जी, ये बिका है 50-55 रुपए किलो। अच्छा जी, यही माल पहले बिक रहे थे 40 रुपए किलो, बाजार पीछे तेज होली के कारण कुछ तेज रहे हैं। अच्छा जी, 7-8 गाड़ी टोटल आज की डेट में मार्केट में आई है। 7-8 गाड़ियाँ टोटल आज जो फ्रेश रहे वाला है। अच्छा जी, और 3-1 हज़ार पैकेट, 2-3 हज़ार पैकेट, 2-3 हज़ार बैलेंस रहा था। अच्छा जी, जो तकरीबन ज़्यादातर माल काले पड़ गए थे ये होली से पहले के। हाँ जी, तो अब आने वाले 2 दिनों में पुराने माल तो सब खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, और बाजार में भी 2-3 रुपए की 4 रुपए की सुर्खी और होगी। और हो सकती है, और हो सकती है। तो आज बाजार में कुछ फर्क पड़ा जी थोड़ा बहुत? हाँ फर्क पड़ा है। अच्छा जी, जो नॉर्मली बाजार है जी, इनका क्या बाजार? जो पहले बिक रहे थे 30 रुपए के, उनकी पोजीशन 35 से 40 रुपए है आज का जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, कल भी वैसे बाजार तो थोड़ा सा, कल भी 2-3 रुपए बढ़ा हुआ था, 5 आज भी 2-3 रुपए बढ़ा हुआ है। अच्छा जी, 5 रुपए तक का बाजार। मंडी में केवल 7 गाड़ी ताजी आई है। हाँ जी, और मंडी इतनी बड़ी जी, और मंडी बड़ी है। हाँ जी भाई, 12-14 गाड़ी तक तो मंडी की भूख रहती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गाड़ी कम है। और जो ऊटी के माल बढ़िया वाले, उनका बाजार क्या है जी आज का? ऊटी के बढ़िया जो है वो 55-60-65। अच्छा जी, यानी 55 रुपए से लेकर 65 रुपए, 50 रुपए से 65 रुपए। अच्छा जी, आपके पास ये क्या रेट का जी? ये 50-55 वाला है। अच्छा जी, 50-55 रुपए वाला जी। अच्छा जी, तो यानी भूख है मार्केट में। फर्क भी पड़ेगा, लोकल फसल जो करनाल साइड की है। हाँ जी, वहाँ पर भी आज आमदन अच्छी हो गई है। अच्छा जी, तो उसके होने से बाजार के जो ऊपर उठना होगा तो मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा जी, अब ज़्यादातर MP को छोड़ के राजस्थान जो है छिपा बड़ोत। हाँ जी, आज भी 4 गाड़ी छिपा बड़ोत की है मंडी में। अच्छा जी, जो बिकी है 40 रुपए से 50 रुपए राजस्थान आज की जी, 30 से लेकर 50 रुपए। अच्छा जी, उनकी कली जरा अच्छी होती है, अपना ग्राहक पकड़ता है। अच्छा जी, तो फिर 2-4 दिन में आने वाले टाइम में तभी तो उठेगा ये माल। आप मंडी के बैलेंस माल खत्म हो जाएंगे तो थोड़ा और 1-2 रुपए की सुर्खी आ जाएगी। अच्छा जी, तो नई अराई वाला अब ये दोबारा कब तक आएगी, जैसे पीछे रेगुलर आ रही थी जी? हाँ हाँ, ये चालू हो जाएगी। अच्छा, और 2-4 दिन तक चालू हो जाएगी। क्यों? हाँ जी, दिल्ली में अभी 2-3 इलाके और चालू हो जाएंगे। अच्छा जी, जैसे ये हरियाणा वाला माल आना चालू हो जाएगा, करनाल वाला जी, करनाल वाला। अच्छा जी, ये भी पूरी उम्मीद है कि शनिवार तक दिल्ली में कम से कम 300-400 पट्टा आएगा। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ये सर जी की भी दुकान है जी अपनी? ये, हाँ, ये सर जी सुशील बाबू हैं। हाँ जी, इनकी A285 नंबर दुकान है। A285 नंबर। हाँ जी, आपका बिल्ला सुन का ही काम है सर जी? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, तो 12 महीने आप बिल्ला सुनी बेचते हो जी? 12 महीने लहसुन का काम रहता है। हाँ जी। अच्छा जी, तो आपके पास कहाँ का माल आता है जी? अरे हमारे पास MP है, राजस्थान है, UP है, हरियाणा है। अच्छा जी, अच्छा, ये सभी चारों तरफ के माल हमारे पास बिकने के लिए। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी एक बार। RM ट्रेडिंग कंपनी, A Block 279, पिंकी भाई, 9810087863। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सर जी लास्ट तो मौके पर मिल गया, आप भी अपनी दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। मेरा दुकान का धनेश्वर ट्रेडिंग, हाँ जी, 8288 और 9350404002। सुशील जी, बहुत शुक्रिया जी, पिंकू बाबू जी के पास आप बैठे जी, बहुत अच्छे बंदे जी, इन्होंने मिलवा दिया आपको भी, धन्यवाद जी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।